सो जे गल एजुकेशन की कीती जावे, सिक्ख्या की कीती जावे, जाहिर तौर पर अपने आप दे विच एक वास्ट सबजैक्ट है सिक्ख्या। तो कहा जाता है कि विद्या विचारी परोपकारी, पर पठानकोट दे विच किन्नी कु विचारी है ते किन्नी कु परोपकारी है सिक्ख्या है विद्या। अज इस पहलू तो इस सिक्ख्या दे कह सकते हैं कि अस्पैक्ट नू समझण की कोशिश करांगे। बहुत स्वागत है तुषार पूंजी तुहाडा भी ते सोहम आनंद जी तुहाडा भी। तो सिक्ख्या की गल की जाए तो कहिंदे ने तजर्बा ते जोश दोवां दा सुमेल बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का होश होवे, नौजवानों का जोश होवे, तां एक सोहनी तस्वीर बनती है। इस तरह की तस्वीर अज असी मंच ते भी देख रहे हैं तुषार के रूप के सोहम आनंद जी के रूप के। सोहम जी, सब तो पहले तुहाडे कोल आऊंगी। जे गल की जाए द इंडियन हैरीटेज स्कूल की डायरैक्टर हो तुसी, एक तुसी कह सकते हो कि बेस तुसी तैयार करते हो, तुहाडे कोलों जिहड़ा बेस तैयार हुंदा है ते फिर वह अगे जांदा है तुषार जी कोल। सोहम जी, जे इंडस्ट्री की गल की जाए, पठानकोट की गल की जाए, स्कूलिंग दे विच क्योंकि तुसी सदरां तो वेख रहे हो, अज तुसी मौजूदा स्थिति देख रहे हो, किन्ना कु बदलाव महसूस करदे हो पठानकोट की स्कूलिंग दे विच, अपने स्कूल के लिहाज नाल भी, ते पठानकोट दे पूरा जे वास्ट असी गल की जाए तो पठानकोट नू किन्ना कु तुसी समझदे हो कि बदलाव होया ते जरूरी बदलाव होया। So thank you very much for inviting me here, first of all. Ji. See, I'll be very honest with you. Ji. Bade imandari se baat karunga. Main Pathankot ka native nahi hu, pehli baat to ye hai. I am only working here. I belong to Dehradun. Right? To main kuch samay se yahan par zarur Pathankot ke sath juda hu. यहाँ पर जो मैंने देखा है कुछ अरसे से, पिछले 7-8 साल से, द पठानकोट टाउन और पठानकोट सिटी हैज़ बीन कॉट इन अ टाइम रैप। जो 7-8 साल पहले था वही आज भी है। देर इज़ नो चेंज। व्हाट इज चेंज? पहली बात तो ये है कि चेंज हम कैसे डिफाइन करें। जस्ट बिकॉज वी हैव अ फ्यू मॉल्स, few shops, right? Maybe a McDonald, right, or a barrister, and we think the town has changed. No, change tab aata hai jab aapka mindset aur aapki thinking mein badlav ho. That thinking and mindset has not changed. Okay. And that is why that this town has been caught in a time wrap. Jahan tak schools ki baat hai, schools have a great influence on a town. It can have, you see, the bachche jo hain, they can put in a lot of influence, bahut zyada influence, pressure create kar sakte hain. They can contribute to the change of the city. They have the potential to change the entire landscape. See, lekin wo nahi ho raha. Jaise tusi jada kiya, sorry, I'll just complete this. Wo isliye nahi ho raha hai क्योंकि अलग अलग भाषा में बात होती है यहाँ पर। स्कूल में कुछ सिखाया जा रहा है, घर में कुछ हो रहा है, सोसाइटी में कुछ हो रहा है। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन द वैल्यूज, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन द वे वी थिंक। जैसे तो उन कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वो जो डिजायर्ड चेंज है, we are not witnessing that change in the society or in our behavior or in our conduct. Ji. Right? So from that point of view, I don't think so education has made much of a difference here. Just because there are so many schools doesn't mean there is good education. Yeah. Right? Itne schools hain Pathankot mein, agar change ki baat hoti to itne school abhi tak is Pathankot town ko transform kar diya hota na. Ji. वो नहीं हुआ, राइट? मेंटालिटी वही है, थिंकिंग वही है, एटीट्यूड वही है, जैसे सोच नहीं बदली, कुछ नहीं बदली, तो समवेयर द स्कूल्स हैव आल्सो फेल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द स्कूल्स हैव फेल्ड। सॉरी, आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम। द स्कूल्स हैव फेल्ड बिकॉज देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल इन द स्कूल्स, एंड दैट क्वालिटी एजुकेशन जो स्कूल्स अगर दें और कॉरेस्पॉन्डिंगली पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें, तो देन द चेंज विल बी विटनेस्ड।
बिल्कुल, मतलब तुसी ये कहना चाहते हो कि साडे कोले क्वांटिटी बहुत है पर ओनी क्वालिटी असी डिलीवर नहीं कर पा रहे बेसिक। बिल्कुल नहीं है जी। चलो इस ते अगे भी गल करांगे। सो तुषार, यू योरसेल्फ लुक्स वेरी यंग, राइट? तुसी खुद नौजवान हो। पहला तो तुहाडे तो यही जानना चाहवांगे कि साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट 25 साल हो गए ने इस इंस्टीट्यूट नू, इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नू सिक्ख्या दे खेतर दे विच योगदान दिंदा होया। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया बोलने का जी। सो ये जो है, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, श्री साई ग्रुप को मैं बिलोंग कर रहा हूँ। 25 इयर्स से वी आर इनटू द गेम, एंड जिस हिसाब से एजुकेशन चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि द मोस्ट इन द लास्ट 1-2 ईयर्स किसी चीज़ में चेंज आया है, वो एजुकेशन सेक्टर में आया। और मेरे फादर साहब ऑनरेबल एस के पुंजी ने ये शुरुआत की थी इस ग्रुप की 1996। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 25 साल पहले, जब इस एरिया में देर वॉज नो स्कूल, लाइक देर वॉज फ्यू स्कूल्स, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं थे। तकनीकी शिक्षा के लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, और दूर इन द सेंस बियॉन्ड दिल्ली, बियॉन्ड चंडीगढ़, मे बी इन साउथ, बिकॉज एक ट्रेंड था जब कॉलेजेस तकनीकी शिक्षा के इस एरिया में नहीं थे। तो वी स्टार्टेड विद दैट, वी स्टार्टेड विद वन कॉलेज हियर विद डिप्लोमा कॉलेज, एंड उसके बाद हमने आगे आगे चलते गए। तो अब 25 साल के बाद जो हमें एक्सपीरियंस जो रहा है, वो ये रहा है कि इतना चेंज आ गया है, अब टेक्नोलॉजी बेस होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि मैं आया हूँ इन द सेक्टर, आई ज्वाइन दिस ग्रुप इन 2018 में मैंने एंट्री की, और मेरे फादर साहब जो मुझे पल पल हमेशा गाइड करते रहते हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं, देर आर इन द टीम। सो एक जो होलिस्टिकल अप्रोच जो हम लोग लेके चलते हैं, द बेसिक आइडिया इज़ कि हम लोग स्टूडेंट एक्सपीरियंस चेंज करना चाहते हैं जी। और कि और वो चीज़ें जो एट पार बड़ी सिटीज़ में हैं और दुनिया में हैं, वो हम पठानकोट में लेके आने का प्लान करते हैं, एंड लेट्स आगे जाने का हम प्लान करते हैं। हाँ जी जी। सोहम जी, गल की जाए स्कूल चेंज दी, ता रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो मैं गल करा, डलहौजी तो बाद आई गैस पठानकोट एक वड्डा हब बन के उस दे विच उभर रहा, जिस तरह तुसी गल की क्वांटिटी दी, बट हाउ डू यू थिंक के क्वालिटी दे विच सिक्ख्या नूं होर ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है? जे गल मैं करा इंडियन हैरीटेज स्कूल की, तो आप किस तरह काम करते हैं क्वालिटी ते? देयर आर टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन, quality within the school, yeah, right ji. The other aspect is quality in society, ji, right? Both things are connected, right? They goes parallel, yes. Now as far as schools are concerned, ji, how do you bring in quality education? That's your question, yeah, right? Now first you tell me, why would a very good teacher would like to come to Pathankot? See, we are... I'll answer this question. The city must give something. A person who comes from outside expects something. Yeah. I can get the best of teacher from anywhere. Maybe from Bangalore or from Calcutta or from Delhi. I am in a position to get someone from outside also, right, outside the country. Right? But what has the town to offer? Right? We do not in the town have a single library. Right? We do not have any literary association. Ji. Yahan par koi goshti nahi hoti, koi mushaira nahi hota. Right? Koi bachon ke liye library nahi hai, koi cultural organization nahi hai उनको प्रोत्साहित करने के लिए।
देर आर नो क्लब्स हियर, यू सी देर आर नो स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स हियर, जी राइट. सो व्हेन अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, दे लुक टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. द टाउन हैज नथिंग टू ऑफर, सो दे गेट बोर्ड एंड बज ऑफ इन नो टाइम. से five months, 6 months, 8 months, 9 months, maybe 2 years, they'll hang on. यानी कि सिखिया नाल इत्थे अध्यापक बचारे नजर आउंदे ने. Of quality education to have good gurus. जी. ठीक है. अब गुरु को मैंने आपको बता दिया, गुरु क्यों आना चाहेंगे आप? पहली समस्या तो ये, these are the problems. जी. The town is facing. इस सरकारा तो शिकायतां ने, एडमिनिस्ट्रेशन तो शिकायतां. That is बिल्कुल, ये तो सरकार का है कि पठानकोट टाउन का जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें. जी. यू सी सेट अप अ स्पोर्टिंग स्कूल, एक स्पोर्ट्स है, एक कल्चर है, म्यूजिक स्कूल है, कुछ लाइब्रेरी होनी चाहिए. दिस प्लेस डजंट हैव अ बुक शॉप. जी. आप चेंज की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात. जी. चलो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आवाज पहुंचे उन्होंने नुमाइंदियां तक. दूसरी बात ये है कि जहाँ तक स्कूल की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर. जी. टू प्रोवाइड क्वालिटी, नीड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. यू नीड प्ले फील्ड्स. क्रिकेट के लिए आपको नेट्स चाहिए, फिर आपको टेनिस कोर्ट चाहिए, आपको स्क्वाश कोर्ट चाहिए, आपको शूटिंग रेंज चाहिए. यू सी, लेकिन वी आर इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड दिस. जी. लेकिन वी ऑल्सो वॉन्ट द पेरेंट्स टू सपोर्ट इट. ओके. वेन यू डोंट गेट दैट सपोर्ट, देन यू फील डिसिल्यूजन्ड. बच्चा की करेगा जी शूटिंग करके? राइट. देन क्वालिटी एजुकेशन ऑल्सो. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम विलम बॉयज डेहराडून. दे आर चार्जिंग 12 लाख रुपीज अ ईयर. 12 लाख वो लेते हैं, 12-13 लाख. But then that is quality they provide. यानी कि सिख्या दे पद्धर नू सुधारन दे लिए समाज दे वेच भी एक बदलाव दी जरूरत है. बहुत कुछ जरूरी है. बिल्कुल. See, parents must support. They must come forward. They must involve themselves. जी. Relationship building. Schools run because of a, there has to be a very healthy relationship between the parents and the जी. School. Right. But there is no relationship is missing. Because the attitude is this, we pay, they teach. Yeah. That's it. तुषार, जे गल की जाए बेसिक आधारशिला की, वह स्कूल बना, पर जे गल की जाए करियर की, वह कितना ना कि कॉलेज का उसके एक वड्डा योगदान रहता है. तो बच्चों का या विद्यार्थियों का यह इंट्रस्ट होंगे सब तो ज़्यादा कि असी बाहर जाके पढ़िए, असी चंडीगढ़ जाके पढ़िए, असी दिल्ली जाके पढ़िए, या असी अब्रॉड च पढ़िए. बट तुहाडे कोल अजिहा की है, पठानकोट कोल अजिहा की है कि पठानकोट का बच्चा यह सोचे कि मैं पठानकोट दे विच ही रह के क्यों नहीं पढ़ाई करता, मैं पठानकोट दे विच ही पढ़ा, इत्थे ही काम करा, इत्थे ही अपना योगदान दवा. राइट. अपने कॉलेजेस पठानकोट दे विच की इस तरह की सर्विस बच्चों नूं प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे सोच सकन कि असीं पठानकोट दे विच रह के ही पढ़िए, असीं इत्थे अपना कॉलेज करिए ते फिर इत्थे ही काम करिए, कि सोच है या हजे बनन नूं टाइम लगेगा? तुषार, जो ये सवाल है कि एक जो चेंज आना चाहिए बच्चों में, जी मुझे लगता है कि आफ्टर स्कूल एजुकेशन अगर किसी बच्चे की पर्सनालिटी शेप होती है वो सिर्फ हायर एजुकेशन में होती है. बिकॉज आप एक नए फेज में एंटर हो रहे हो, आपको फ्रीडम मिल रही है, आप अपने डिसीजंस खुद लेने के कामयाब हो रहे हो. तो जो बड़े कॉलेजेस हैं, या अगर मैं बात करूँ बड़े शहरों की या अब्रॉड की बात भी करें, सिर्फ एक एक माहौल और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो बच्चे का पर्सनालिटी शेप करता है. तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने तौर तरीके बदलें, हम लाइक सिंस आई हैव जॉइन दिस ग्रुप, माय आइडिया इज कि जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है उसको चेंज करना है. किस हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं, किस एग्ज़ाम से बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का फ्री टाइम में हाउ दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव, एंड हाउ जो बाकी लोग कर रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी के साथ उनका इंट्रैक्शन हो. बिकॉज 4 साल बहुत कम टाइम है और बहुत ज़्यादा टाइम भी है. 4 साल के अंदर आप अपना ऐसा करियर बना सकते हो कि यू डोंट नीड टू लुक बैक. बट 4 साल के अंदर अगर सही गाइडेंस हो, सही सपोर्ट, तो और हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं. और जैसा आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं पठानकोट के अंदर, हम लोग वो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी खुद की एजुकेशन बिट्स पिलानी दुबई से है, फिर देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम UK. तो इतना एक्सपोजर के साथ द ओनली आइडिया इज़ कि ऐसा सेटअप पठानकोट शहर में दिया जाए कि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते, मे बी
एन्यूमरस रीजंस कि फैमिली इश्यूज या सिंगल चाइल्ड या और भी कोई इश्यूज हैं कि दे कैन नॉट ट्रैवल. तो घर पे रह के भी वी आर मेकिंग श्योर एंड आई एम श्योर मेरे जो बाकी एजुकेशन के साथ पठानकोट के आसपास जो कॉलेजेस हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड. क्योंकि पठानकोट में जो क्राउड आता है वी डोंट गेट अ लोकल क्राउड सिंस इट्स अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हम शेयर करते हैं. तो आइडिया इज टू गिव देम एंड गिव देम हियर यहीं पे हम लोग उनका विकास करेंगे. और वेरी गुड इन पठानकोट उनको मैं लेके आया हूँ बोर्ड पे ताकि आप बताओ कि आप क्या चाहते हो. पठानकोट का बच्चा जो यहाँ पढ़ना चाहता है यहाँ जॉब करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर प्लानिंग. हाँ जी तो जे गल सिक्ख्या खेतर की करिए मेरे लगता है एक मेजरली अफेक्टेड सैक्टर रहा है कोरोना काल के दौरान. सो कोरोना काल के किस तरह सिक्ख्या असर पिया किस तरह पठानकोट के उसनों टैकल किया गया किस तरह इंडियन हैरीटेज स्कूल ने उसनों हैंडल किया ये थोड़े तो सोहम जी समझना चाहूँगी. क्योंकि ये दौर जो स्टूडेंट्स ने वेख्या जो टीचर्स ने वेख्या इस तो पहला ना तो यह दौर किसी ने वेख्या ही सी ते ना किसी ने इमेजिन भी किया सी किसी ने सुपने च भी नहीं सोचा सी कि इन्ना समा ना तो जून जुलाई दियां छुट्टियां रहियां ते ना बच्चों के एग्जाम्स उस तरह हो सके. बोर्ड के एग्जाम्स की गल की जाए कई बच्चों को बड़ा चाह होंगे कि असं 12वीं के पेपर देवे असं 10वीं के पेपर देवे और सब कुछ इदा लगे कि जिमें धरिया का धरिया ही रह गया तो बच्चे हूँ शायद वह समा देख नहीं सकन उन्होंने वो सुपना ही रह गया. आपने बोला किसी ने इमेजिन नहीं किया था बिल्कुल सही बोला कोई इमेजिन नहीं किया. एवरीवन वाज टेकन बाय सरप्राइज एंड टू इंडस्ट्रीज विच हैव बीन बैडली हिट उसमें से एक स्कूल है और एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिना शक जी. इनको उभरने में जो डैमेज हुआ है बच्चों का भी हुआ है सभी का उसको उभरने में टू कम आउट ऑफ इट जी वी विल टेक 4-5 years ठीक है. उसके जो रिपरकशंस हैं वो आप धीरे धीरे सामने आएंगे ठीक. और अभी खत्म नहीं हुआ है इधर अभी चल रहा है बिल्कुल वी मे हैव और ये चलते रहेगा खाली दीज वेव्स विल कीप कमिंग Right. With intensity level में differ. जी. जहां तक pandemic की बात है और क्या effect हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक young एक youngster he has missed his college life. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. एक अहम हिस्सा होता है. आप अपने को imagine कीजिए कि आप अगर college नहीं गई होती 2 साल. बिल्कुल. सही बात है. That's what I've mentioned ना कि मतलब वो सपना ही रह गया बच्चियां दा. उसके जिंदगी के 2 बेहतरीन साल खत्म हो गए. They don't know what college is. बिल्कुल. ठीक है. एक मेरी एक छोटी सी granddaughter है. She was to go to school last year. जी. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अफेक्ट क्या पड़ा. She was to go to school last year नहीं जा पाई pandemic की वजह से. बिल्कुल. इस साल अभी 10 दिन पहले We took her to a school. उसको अपने स्कूल में लेके गए और उसको बताया ये आपका स्कूल है. तो she was looking at this what is school. She thought कि मेरा स्कूल तो घर की ऑनलाइन क्लास. अफसोस. She's got used to that. She's 5 years. She got used to that. कि मैं उठूंगी ये मेरा कमरा है वो टीचर पढ़ा रही है स्क्रीन पर और मैं पढ़ रही हूँ. That is the school. That is the effect the pandemic has created. बिल्कुल. आप अंदाजा लगा सकती हैं. इससे उभरने में टू कम आउट ऑफ इट द चिल्ड्रन विल टेक आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स और दे मे नॉट इवन कम आउट ऑफ इट. जी. दिस इज द इफेक्ट दैट द पैंडेमिक हैज लेफ्ट. जी. नाउ हाउ वी हैव हैंडल्ड इट देयर वाज नॉट मच चॉइस एक्सेप्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस. जी. एंड यू कीप इनोवेटिंग. बिल्कुल. यू कीप मेकिंग इट बेटर. राइट. राइट. विद टेक्नोलॉजी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आई हैं. टीचर्स वर स्केर्ड ऑफ फेसिंग द कैमरा. नेटवर्क प्रॉब्लम्स. अभी भी इंटीरियर्स में जो बच्चे रहते हैं दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन. राइट. सो दीज प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट. जी. राइट. स्कूल्स को
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए. टीचर्स सडनली वी आर कॉट लाइक यू सेड व्हाट टू डू. घर में ब्लैक बोर्ड, स्कूल्स हैव टू प्रोवाइड टीचर विद लिटिल बिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत कुछ बदलिया, बहुत कुछ नवा सी वेख्या, बहुत कुछ अफसोस भी होया कि आखिर ये क्यों होया. कहिंदे ने जे बंदे ने घाट घाट का पानी पीता होवे, थां थां दा स्वाद चख्या होवे, तां जो ओ आप बनाएगा उस दे विच जायका कुछ वखरा ही होएगा. तुषार, दुबई तो स्कूलिंग एंड दैन यूके तो तुसी पढ़ाई की थी, हायर स्टडीज की मैं गल करा, ते अज ओ इनोवेशन ओ योगदान तुहाडे इंस्टीट्यूट्स दे विच, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स दे विच असी किस तरह वेखिए, किस तरह एक बच्चा एक्सपेक्ट करे कि असी जे इत्थे पढ़न जा रहे हां, असी जे इत्थे पहुंच कर रहे हां, तां असी एक होर दिमाग दे नाल, एक बेटर गाइडेंस दे नाल अगे जावांगे, अगे वधांगे, साडे करियरस अगे अच्छे होणगे. जैसे आपने बताया कि मैंने को पहले भी मैं बोल रहा था कि बहुत सिंपल आइडिया से हम लोग काम कर रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं. और मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ क्योंकि जो चीज़ें यूके में चलती हैं या दुबई में चलती हैं वो शायद अभी इंडिया में बड़ी सिटीज़ में ज़रूर है, छोटी सिटीज़ में भी हैं बट नॉट ऑन दैट स्केल. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग इज़ माई पॉलिसी. तो मैं जो बात करके आए बच्चों से बात करके कि कैसे वी कैन डू इट व्हाट दे वांट. सी, अगर बच्चों को कुछ चाहिए और वी सर्व देम समथिंग एल्स, अगर बच्चों को इंडियन खाना है, अगर हम उनको चाइनीज सर्व करें तो दैट डजंट मेक सेंस. तो हम बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा क्या, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट, कि आप कैसा पढ़ना चाहते हो, वहाँ से फीडबैक आती है. देन वी आर ग्रुप ऑफ पैनल, ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, वी डिस्कस कि अच्छा ये इनको ही चाहिए, बट वी नीड टू मेक श्योर कि ये लोग जहाँ इनको जाना है 4 साल के बाद ये चीज़ वहाँ काम आएगी कि नहीं आएगी. अगर नहीं आ रही तो वी नीड टू मेक श्योर उनको प्यार से मे बी सम फन एक्टिविटी, एनी न्यू इनोवेशन उनको सिखाया जाए कि नहीं ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है. बिकॉज हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं बहुत मिक्स क्राउड से आ रहे हैं, उनको एक्सपोजर की सच में ज़रूरत है. जो बच्चे बड़े शहर में रहते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, आप उनसे बात करो बात आपको बता, बट जो बच्चे यहाँ पे हैं दे नीड एक्सपोजर, उनको टेलर्ड मेड, इट्स नॉट वन सोल्यूशन फिट्स ऑल वाली बात, टेलर्ड मेड सोल्यूशन है. वी आर मेकिंग इट एंड एजुकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. हम लोग एक रात में एजुकेशन चेंजेस कभी नहीं कर सकते, पर विद ऑल गाइडेंस ऑल सपोर्ट वन ब्रिक एट अ टाइम वी आर मेकिंग श्योर कि थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन एंड होपफुली वी विल सी कि साइंस ग्रुप भी कुछ एजुकेशन सेक्टर में योगदान ज्यादा दे पाए. बिल्कुल, कहिंदे सिख्या एक अथाह समंदर है, एक डूंगा समंदर है, ते जिन्ना इस दे विच कोई तारियां लाएगा, जिन्ना डूंगा जाएगा उन्ना आनंद माण सकेगा. सोहम जी ने साडे नाल लंबे समय तो इस समंदर दे विच तुसी तारियां ला रहे हो, ते सिप्पियां मोती उही समुंदर चो लैके आ सकदा है जो जिन्ना डूंगा जाएगा. अज इत्थे तुहाडे उस एक एक्सपीरियंस नूं मैं जरूर जानना चाहूंगी, ते एक मैसेज तुहाडा जरूर स्टूडेंट्स लई चाहूंगी, तां जो सीप मोती असीं तुहाडे राहीं इस समुंदर च लै सकीए. जी, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं. जी, टाइम है आपके पास? बहुत थोड़ा समय दे विच, थोड़े शब्दों दे विच सर. ये प्लीज प्लीज आई विल बी ग्रेटफुल इफ पीपल कैन अप्रिशिएट दैट. जी, मैं I went to US for a little bit of teaching. जी. तो वहाँ पर सिस्टम दूसरे हैं, सब कुछ दूसरे हैं, वेदर फॉरकास्ट इज एक्सेलेंट. तो सभी कुछ जब होता है आप बाहर निकलते हैं तो पहले वेदर फॉरकास्ट देखते हैं. तो क्रिसमस के बाद की बात है, बर्फ बर्फ पड़ रही थी काफ़ी. तो I was to go to school the other day. तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पर. तो वेदर रिपोर्ट ये थी कि काफ़ी बर्फ़ पड़ेगी, दूसरे दिन वेदर काफ़ी ख़राब रहेगा. तो रात को 3 बजे के करीब, 3:30-4 बजे के करीब टेलीफोन रिंग्स. उन दिनों सेलफोन नहीं होते, दूसरे फ़ोन होते थे. आई थॉट कि इंडिया से कॉल आया होगा कोई. सो आई पिक्ड अप द फोन, तो फोन वॉज फ्रॉम द स्कूल. और मैंने सोचा ये बोलने की कोशिश करेंगे कि कल वेदर ख़राब है तो छुट्टी,
वही माइंडसेट था, इंडियन माइंडसेट, बिल्कुल वेदर खराब है तो छुट्टी जी. तो द लेडी फ्रॉम द रिसेप्शन और फ्रॉम द स्कूल शी सेड मिस्टर आनंद द वेदर इज गोइंग टू बी प्रीटी बैड टुमारो एंड देयरफॉर वी सजेस्ट यू प्लीज टेक एन अर्ली स्टार्ट टू रीच स्कूल. दैट्स ग्रेट. नहीं, मैं 7 बजे की जगह आप 7 बजे मत निकलिए, आप थोड़ा 6 बजे निकल जाइए ताकि आप टाइम पर स्कूल आ सके. दिस इज द डिफरेंस जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड सेट. यहाँ होता है यहाँ रेनी डे बैड वेदर, बिल्कुल सोच सुधारण की जरूरत है. दिशा अपने आप बन जाएगी जे असी साडा विशा अज दुरुस्त करांगे. यही कुछ हमें बच्चों को भी सिखाना है. बिल्कुल राइट, वी आर नॉट एबल टू डू दैट क्योंकि एजुकेशन विल ओनली सक्सीड. वी आर अ लिटरेट सोसाइटी, वी आर नॉट एन एजुकेटेड सोसाइटी. पहली बात, लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फर्क है. हम अभी भी क्या करते हैं कि केला खाया, केले के छिलक फेंक दिया, ठीक है, दैट इज एजुकेशन राइट. लिटरेसी इज वॉट, लिटरेसी इज यू साइन अ चेक बुक. वी ओनली एजुकेट पीपल और लिटरेट पीपल टू साइन अ चेक बुक एंड दैट्स इट. बिल्कुल, एजुकेशन इज मच मोर, इट्स अवेयरनेस जो नहीं आई. सो शायद किताबी ज्ञान तो ज्यादा साड़िया मॉरल वैल्यू, साडे सिद्धांत सानू सुधार लिए तो सिक्ख्या भी बेहतर हो जाएगी, साड़ी अज की दिशा दुरुस्त होएगी, साड़ा विशा दुरुस्त होएगा, तो जाहिर तौर पर साड़ा भविख भी होर सोहना, होर सुचजा, होर सोहना होएगा, होर निखर के सामने आएगा. थैंक यू सो वेरी मच सोहम जी, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, तुषार जी तुहाडा भी बहुत